एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो एक रशियन मनोवैज्ञानिक जिसका नाम डॉक्टर लाजानोवा, वो अपने जीवन काल दौरान भारत में जब क्योंकि भारत का जो पूरे विश्व में एक छवि कुछ इस तरह की छवि है कि भारत योग का आध्यात्म का देश है, तो वो कुछ इसी तरह की खोज में भारत आए थे और वो कई योगियों से मिले, और योगियों से मिलने के पश्चात जब उनने देखा कि कई योगी घंटों घंटों तक गहरी योग निद्रा में जाकर उसके जो गुरु है वो ने कई ऐसे कठिन से कठिन पाठ कठिन से कठिन श्लोक उसके सामने बोलते थे, और जो उनके विद्यार्थी वो गहरे विश्राम की अवस्था में पड़े हैं, और घंटों के बाद जब उसको उठा के उन्हें क्या पढ़ाया गया क्या समझाया गया पूछते हैं, तो बिल्कुल फर्राटेदार बोल देते थे या उसको रिपीट करके दिखाते थे। तो इस तरह की कुछ यौगिक चमत्कार को देखने के बाद डॉक्टर लाजानोवा, क्योंकि खुद एक मनोवैज्ञानिक थे, तो उसने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पूरी जो तनाव से संबंधित या जो ग्रहशील अवस्था है उसे किस तरह डेवलप्ड किया जाए उसका पूरा संशोधन करके एक गहरी, ऐसा समझो कि एक विज्ञान का ही जन्म दिया, जो कि शिक्षण जगत में एक क्रांति लेके आया, रसिया में, बुल्गारिया में या उसके आसपास कई ऐसे छोटे छोटे देश हैं रसिया के, जहाँ पे इसका एक बहुत ही सफल प्रयोग हो रहा है। उस पूर्ण शिक्षा पद्धति में अगर आप देखो तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा सके या ज्ञान दिया जा सके उस पर कार्य या एक रिसर्च वर्क हो रहा है। तो वैसे प्रयोग हम भारत में भी कर सकते हैं, पर अब तक भारत में ऐसी कोई पहल हो नहीं पाई है। उनके पूरी कार्य पद्धति को अगर आप देखोगे तो जिस तरह से भारत या रसिया या बुल्गारिया या लाजानोवा के आसपास जहाँ लाजानोवा का जन्म था उससे प्रभावित, ये सजेस्टोपीडिया से प्रभावित जो कंट्री है उन्हें छोड़ के पूरे विश्व में अगर हम देखें तो जो शिक्षण पद्धति चल रही है वो उससे बिल्कुल अनूठी है। वहाँ कहीं आपको पढ़ाने के लिए टीचर की ज़रूरत नहीं है, कहीं इस तरह के जो हमारे सिस्टम्स है कॉलेज की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के कोई और साधनों की ज़रूरत नहीं है, मात्र बच्चों को किस तरह से एक ग्रहशील मनस्थिति में ले जाया जा सके उसकी ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है, और ऑडियो विजुअल हर एक विषय को वो एक ऐसा बोल सकते हैं कि ऑडियो टेप में वो अंकित कर देते हैं, और उसके बाद मन की अलग अलग अवस्था है जैसे अल्फा बीटा थीटा और डेल्टा। तो जो भी मनोवैज्ञानिक खोज हो रही है वो ऐसा कहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अल्फा स्टेज में ले जाकर अगर कुछ भी सिखाया जाएगा या पढ़ाया जाएगा या उसके अचेतन में कुछ भी डाला जाएगा तो वो सीधे सीधा प्रवेश कर जाता है। तो इसी सूत्र के आधार पर उसने पूरी सजेस्टोपीडिया नामक निद्रा चिकित्सा का विकास किया है, निद्रा शिक्षा का विकास किया है, जो कि बहुत ही अच्छे परिणाम दे रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही कुछ प्रयोग हम भले ही छोटे पैमाने पे अगर भारत में भी कर सके। मैं तो अपने तल पे या मैं व्यक्तिगत तल पे इंडिविजुअल कई ऐसे लोगों पे प्रयोग करके बहुत अच्छे परिणाम देखे हैं। अब हमें ज़रूरत है कि इसे व्यापक रूप से कार्य हो सके, इसीलिए कुछ अगर शिक्षण से जुड़े हुए लोग आगे आएंगे तो हम इसमें भविष्य में और भी अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। आपने ये कहा कि निद्रा शिक्षा के दौरान उनकी ग्रहणशीलता बढ़ेगी और विद्यार्थी को इस प्रकार से विषय में पारंगत किया जा सकता है। तो क्या उसको जिस विषय में रुचि नहीं है ऐसे विषय भी हम उसको सिखा सकते हैं? जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि अगर किसी
विद्यार्थी को उसके पसंदीदा विषय नहीं है, उसके बाद भी क्या उन्हें ट्रेंड किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, परंतु थोड़ा सा उसमें वक्त लगता है। जो उसके टाइप के विरुद्ध, जैसे मैंने आपको चार टाइप का वर्गीकरण करके बताया, उसके विरुद्ध जब हम कोई भी काम करेंगे तो थोड़ा सा जो सही टाइप पे, मतलब ए टाइप का व्यक्ति है, उसको मैं ए टाइप के संबंधित शिक्षा को मैं अगर सजेस्टोपीडिया द्वारा उनके अचेतन में या उसके अंतर्मन में प्रक्षेपित करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और ए टाइप की व्यक्ति है, उन्हें अगर मैं बी टाइप की शिक्षण पद्धति का इस्तेमाल करके उसके अचेतन में प्रवेश करने का प्रयत्न करवा रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसका जो मन है वो शुरू शुरू में जो भी रेजिस्टेंस खड़ा करेगा या अवरोध खड़ा करेगा, उतनी देरी की हमें समय लगती है, या ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जस्ट 30-40% समय ज़्यादा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके उस शिक्षा पद्धति के द्वारा जो विरुद्ध टाइप की व्यक्ति उनको तैयार नहीं किया जा सकता, तैयार तो किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं यही वापस प्रश्न को दोहराऊंगा कि अगर जो व्यक्ति खुद की मूल प्रकृति है उसके अनुकूल ही विषय को पसंद करे, तो वो सारी जिंदगी उसके एक अंतर संतृप्ति देता है या एक अंतर आनंद देता है। क्योंकि अभी तो हम क्या है कि इस पेशे में या इस सब्जेक्ट के साथ या इस विषय को हम पसंद करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, या हम लालच में भी आ जाते हैं, कभी हम बड़े पैकेज इस पूरे कोर्स को कर लेंगे तो इस तरह का पैकेज हमें ऑफ़र होगा, ये सोच के भी हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपका भीतर मन, आपका पूरा व्यक्तित्व अगर उस कार्य के लिए संलग्न नहीं है, तो आपको सफलता में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। और अगर मान लो कि बाहर जगत में आप सफल हो भी गए, तो कहीं आप भीतर से तृप्त नहीं होंगे, और आगे जाके भी अगर आप भविष्य में अपने कार्य से तृप्त नहीं हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक की तरह मैं यही कहूँगा कि फिर वही विष चक्र में हम फंसते चले जाएंगे, कि जो अलग अलग समस्या आज हमारे सामने आ रही है, कि डिप्रेशन है, किसी तरह का तनाव है, तो उसका मूल कारण ये है कि जो हमारी जीवन धारा है उसके अनुकूल हम कार्य को कर नहीं रहे हैं। भले हम जो भी काम करें उससे हम भीतर से अगर हम तृप्त हैं और हमारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है, तो हमें वही विषय को या उसी कार्य को पसंद करना चाहिए। आपने टाइप की बात कही, तो जैसे धनाभिमुख है, ज्ञानाभिमुख है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति के अंदर दो टाइप के गुण हों, वो ज्ञानाभिमुख भी हो और धनाभिमुख भी हो? हाँ, ऐसा भी शक्य है, क्योंकि ये तो मैंने मूल या चार मूल जो वर्गीकरण है उसकी बात की है। आज अगर हम देखने जाएंगे तो कोई भी एक प्योर टाइप का व्यक्ति तो आपको नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति के अंदर में कुछ न कुछ मिश्रण है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति ज्ञानाभिमुख भी हो सकता है और साथ साथ में धनाभिमुख भी हो सकता है। तो बाहर जगत में हम देखने जाएं तो ऐसे जो मिक्स टाइप है उसके अनुरूप भी कई ऐसे कार्य हैं। तो ये हो सकता है कि दो, जैसे चार टाइप में बता रहा हूँ, तो चार गुणा आप चार कर लो, उतनी टाइप और बन सकती है, तो ये संभव है। हमारे विद्यार्थी को अपनी टाइप पसंद करनी हो तो वो किस आधार पर पसंद कर सकता है? वो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हैं, जैसे वो देखे अपने आप में कि क्या वो लोगों के साथ आराम से जल्दी से मिक्स हो सकता है, क्या आपका व्यक्तित्व एक मिलनसार व्यक्तित्व है, आप बहुत जल्दी लोगों के साथ मिक्स हो जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं, या आप बिल्कुल रिजर्व हैं, या जल्द से जब तक आपको कोई बुलाता नहीं तब तक आप मिक्स नहीं हो पाते हैं। अभी देखो, मैं दोनों बिल्कुल विपरीत व्यक्तित्व बोल रहा हूँ। अगर आप मिलनसार व्यक्तित्व है, मतलब आप एक बहिर्मुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं, जब अगर आप बहिर्मुखी प्रतिभा हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप मार्केटिंग से संबंधित है, MBA से संबंधित है, ऐसी कई मार्केटिंग फील्ड से या फील्ड से रिलेटेड कई ऐसे
कार्य है उसमें आप लगकर सफल हो सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अपने व्यक्तित्व को बारीकी से निरीक्षण करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि मेरे में ये है, मेरे में वो है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर बात ये है कि स्वयं को देखने के लिए भी आपके अंदर एक तटस्थता का भाव होना चाहिए। आप एक न्यूट्रली अपने आप को ऑब्जर्व कर सको, उसके लिए आपको जैसे मैंने ये बताया कि योग निद्रा है, या कई ऐसी रिलैक्सेशन की टेक्निक्स है, या कई ऐसे छोटे छोटे ध्यान के प्रयोग है, उस प्रयोग से गुजर कर भी आप अपने आप को दृष्टा भाव से देख सकते हो, जिससे आपको ख्याल आएगा कि मैं ये हूँ। कई विद्यार्थियों को निष्फलता का भय लगता है, हालांकि वो होते सफल हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊँगा, उसके पीछे क्या वजह है? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने जाएं तो आप कोई भी समस्या है, जो भी नई खोजबीन हो रही है, जो नई रिसर्च हो रही है, आज हम बार बार मेरे सामने समझ लो एक प्रश्न आ रहा है, भय है, अनिद्रा है, तनाव है, परीक्षा खंड में परफॉर्म न कर पाना है, तो ये अगर न्यूरोसाइकोलॉजिकली अगर हम समझने जाएं तो ये एक बायोकेमिकल डिसबैलेंस है। हमारी कुछ जीवन शैली ऐसी होती है, या मैं ऐसा कहूँगा कि हमारे कुछ बायोकेमिकल ऐसे प्रोसेस होती है जिनके कारण क्या होता है कि हम इस तरह के भाव दशा या चित्त अवस्था का शिकार हो जाते हैं। अब उनका निराकरण के लिए तो वैज्ञानिक दृष्टि से समझने जाएं तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो तरह के रास्ते हैं। एक रास्ता है जिसे मैं ऐसा कहूँगा कि ऑब्जेक्टिव वे, और दूसरा रास्ता है जिसे मैं कहूँगा कि सब्जेक्टिव वे। तो बाहर से भी, बाहर से माना ऐसा समझो कि मनोविज्ञान ऐसा मानता है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं भीतर से बाहर आ रहा है, जबकि दूसरे जो भी चिकित्सा शास्त्र है, जैसे एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, वो ऐसा मान रहे हैं कि जो कुछ भी आ रहा है वो बाहर से भीतर की तरफ आ रहा है। तो बाहर से आप जो भी अपने भीतर के जो बायोकेमिकल्स हैं, मान लो कि मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाऊं कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की कमी को आप बाहर से भी पूरा कर सकते हैं। आप गोली लेके भी कर सकते हैं, आप केला या और भी आंवला है ऐसी चीज़ को खा के भी कर सकते हैं। तो बाहर से सब्स्टिट्यूट की तरह जो भी आप भीतर ले रहे हैं उसे मैं ऐसा कहूँगा कि वो ऑब्जेक्टिव वे है। लेकिन जो मनोविज्ञान की एक शाखा है वो ऐसा कहती है कि ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो आप भीतर से उत्पन्न नहीं कर सकते हो। कुछ नकारात्मक चित्त अवस्था के कारण हमारे शरीर के अंदर में, जहाँ पे जिस ऑर्गन के पास या शरीर के जिस अवयव के पास जितनी प्राणवायु या ऑक्सीजन पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच पाती है, उनके कारण बायोकेमिकल साइकिल में डिस्टर्बेंस आता है, और इनके कारण जो भी हम अनुभव करते हैं हमारे चित्त में कि भाई हताशा है, निराशा है, भय की अवस्था है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर भय की अवस्था है तो उसके पीछे कारण है बायोकेमिकल प्रोसेस। मान लो कि भाई एक डोपामाइन नाम का तत्व है, अगर वो ओवरफ्लो होने लगता है तो व्यक्ति एकदम एक्टिव हो जाएगा, सब कुछ काम, जैसे कोई भी जवाबदारी उन्हें दोगे तो जल्द से लेने लगेगा, 10 जने की जवाबदारी अकेले उठा लेगा, डोपामाइन का लेवल डाउन होगा, वो घबरा सकता है, वो हताश हो सकता है, वो ऐसा मानेगा कि मेरे से कुछ काम नहीं हो पाएगा, अब मैं अकेला हो गया हूँ। तो मेरा कहने का शॉर्ट में मतलब ये है कि एसिटिक बायोकेमिकल जो प्रोसेस है वो कहीं आपके चित्त को गहरे से प्रभावित करती है, और उसको निजात पाने के लिए एक ही रास्ता है कि गहरी नींद या विश्राम, रिलैक्सेशन की टेक्निक्स, घुमा फिरा के
हर बात का जवाब एक ही तरफ आएगा, क्योंकि जो भी रिसर्च हो रही है वो ऐसा बता रहे हैं कि पूरी नींद न ले पाने के कारण व्यक्तित्व में विकृतियां पैदा हो रही है। मान लो कि एक बच्चा है, वो आठ घंटे की नींद उसके लिए आवश्यक है। अब वो समझ लो कि पढ़ाई का बोझ या और तरह के सामाजिक बोझ उनके चक्कर में वो उस नींद को अगर पूरी तरह से नहीं ले पा रहा है, तो उनके भीतर ये जो मैं कह रहा हूँ कि बायोकेमिकल प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होने लगती है। और एक बार जो बायोकेमिकल साइकिल डिस्टर्ब होने लगेगी तो वो बार बार क्या है कि इस तरह की समस्या का उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी हमें अपनी जीवन शैली को भी बदलना चाहिए। उनके लिए जैसे मैं आपको एक सूचन दे सकता हूँ कि जैसे बौद्ध धर्म में शरीर के तल पे होने वाली समस्याओं के लिए बहुत ही सरल सा उनने उपाय दिया है, जो कि सभी को लागू पड़ता है। ऐसा नहीं कि खाली विद्यार्थियों को ये लागू पड़ेगा। वो कहते हैं कि शरीर अगर आपका लंबे समय तक स्वस्थ रहे तो तीन नियम है, उनको आप पूरा कर दो। तीन कंडीशनिंग है, उनको आपको पूरा कर लेना है। भगवान कह रहे हैं कि सम्यक आहार। सम्यक आहार का मतलब आप जो भी फूड ले रहे हो वो बैलेंस्ड हो, ज़्यादा ना हो कम ना हो। सम्यक निद्रा, आपको पर्याप्त नींद प्राप्त होनी चाहिए। अगर आपको पर्याप्त नींद होगी तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह से कार्य कर पाएगा, और अगर वो डिस्टर्ब होता है तो आपकी स्मृति से संबंधित कई समस्याएं खड़ी हो सकती है। और तीसरा वो कह रहे हैं सम्यक श्रम। आज हम देख रहे हैं कि श्रम आधुनिक युग में शून्य स्तर पे आके खड़ा हो गया। हम बिल्कुल भी श्रम नहीं कर रहे हैं। हम कार है, मोटरसाइकिल है या तरह तरह के वाहन का उपयोग हो रहा है। तो इन तीनों पर अगर हम कहीं पे संतुलन ले आएंगे तो मैं समझता हूँ कि कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं जिनके ऊपर हम नियंत्रण ला सकते हैं। आपने कहा कि बाहर से हम कुछ दवाई वगैरह का उपयोग करके हम केमिकल को बैलेंस में ला सकते हैं, तो भीतर से हम उनको बैलेंस में लाना चाहें तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? भीतर से अगर हमें बैलेंस में लाना है तो अगर मैं